गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएचपी में वेरिएबल के टाइप्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, डेटा का टाइप होता है। तो पीएचपी है, उसके अंदर किस किस टाइप के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं और कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं, ये हम देखेंगे। तो जैसा कि सी, सी प्लस प्लस, जावा में हम देखते हैं, हम वहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको, जैसे सपोज इंटीजर टाइप का है तो उसको लिखते हैं इंट, और फिर वेरिएबल का नाम अगर ए है तो ए लिख दिया इस तरह से। और अगर उसमें वैल्यू भी असाइन करनी है तो एक तो तरीका होता है ए इक्वल टू 10, ऐसे किया। तो ये तो हो गया डिक्लेयर करना, और ये हो गया उसको डिफाइन करना। और अगर डिक्लेयर और डिफाइन एक साथ ही करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, आई एन टी ए इक्वल टू 10 यहीं पर वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये तरीका होता है सी, सी प्लस प्लस, जावा के अंदर। पीएचपी में क्या होता है, पीएचपी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके पहले डॉलर साइन लगाते हैं। इसका मतलब अगर स्मॉल ए बनाना है वेरिएबल तो डॉलर और ए इस तरह से हो गया, और इसमें अगर वैल्यू भी यहीं असाइन करनी है तो 10। और यहाँ सिर्फ आप डिक्लेयर करके छोड़ना चाहते हो तो यहाँ ए और जब वैल्यू आगे असाइन कर दोगे। तो अब इसके अंदर बात आती है कि इसका टाइप क्या होगा। बाकी लैंग्वेजेस में तो हम बता रहे हैं कि इंटीजर है, फ्लोट है, किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप है, लेकिन यहाँ पर हम बता नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना, वो मोस्ट रिसेंट जो उसको असाइन की गई है वो वैल्यू उसमें रहेगी। और वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उससे हम करते हैं। तो इसमें ये हमें हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और एक्सप्रेशन है वो राइट साइड में रहेगी। जैसे a इक्वल टू 10, या एक्सप्रेशन में बना सकते हो 10 प्लस आई इस तरह से। तो वेरिएबल है वो इक्वल टू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये, इसके लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट में। और ये जो एक्सप्रेशन है वो रहेगी हमेशा राइट साइड में। अगर आप इस तरह से लिखते हो 10 इक्वल टू ए, तो ये रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही बताया गया इसमें कि जो वेरिएबल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो एक्सप्रेशन है वो राइट साइड में रहेगी। अब वेरिएबल है उसको हम जो असाइनमेंट है उससे पहले भी करना चाहिए तो डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद में वैल्यू बाद में असाइन कर दो, या दोनों काम हम साथ में भी कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल होता है उसमें कोई इंट्रिंसिक डेटा टाइप नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि इंटीजर, फ्लोट हम सी, सी प्लस प्लस, जावा में बताते, यहाँ पर हमें उसका डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है।
कि इसके अंदर क्या हम नंबर स्टोर करेंगे या फिर कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर स्टोर करेंगे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर किस टाइप की वैल्यू देगा, हमें पता क्या चलेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो इसमें क्या होता है, जिस टाइप की हम वैल्यू उसमें असाइन करेंगे उस टाइप का ही वो वेरिएबल बन जाएगा। जिस टाइप की वैल्यू, मतलब अपने को पहले जब डिक्लेयर करते हैं उस टाइम ये नहीं बताना है कि इसके अंदर ये वैल्यू। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये यूजर फ्रेंडली क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों है, क्यों इतनी पॉपुलर है? क्योंकि मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें आपने एक वेरिएबल बना दिया ऊपर, ठीक है, इंट ए, या मान लीजिए एक से ज़्यादा बना दिए ए बी सी। तो अब आपकी मजबूरी ये हो गई कि ये जो तीन वेरिएबल बने हैं इनमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी, बाकी वैल्यू नहीं लेगा। अगर आपको दूसरे टाइप के वेरिएबल्स बनाने हैं तो फिर आपको दूसरे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन पीएचपी में क्या हो रहा है, आपने वेरिएबल बना दिए डॉलर ए डॉलर बी डॉलर सी। अब यहाँ पर क्या है कि आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी भी टाइप की वैल्यू इन वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने जो चीज़ें बताई वही है और यहाँ पर हिंदी में दे रखी है। तो वही बता रखा है कि ये देखिए अभिव्यक्ति है वो एक्सप्रेशन दाईं तरफ होना चाहिए इक्वल टू के असाइनमेंट ऑपरेटर के बाएं हाथ की तरफ चर होगा, वेरिएबल होगा, और पहले से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, आप डिफाइन करते हो उस टाइम भी घोषित कर सकते हो। पीएचपी में वेरिएबल्स का कोई आंतरिक प्रकार नहीं होता, वही सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में हमने देखी है। अगर कोई इंग्लिश के अंदर पूरा नहीं समझ के पा रहा है तो ये आप हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इसको वीडियो का आप पॉज कर लेना और पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। तो पीएचपी के अंदर टोटल है वो 8 प्रकार के डेटा टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं, होल नंबर स्टोर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4 5 0 और माइनस में देखो तो -1 -2 -3, इस तरह के डेटा इसमें स्टोर होंगे। उसके बाद में आते हैं डबल्स, डबल्स में जो पॉइंट में जो वैल्यू आती है दशमलव जिसमें आता है, जैसे 0.53 1.2 -1.5 इस तरह का। फिर आता है बूलियन, बूलियन के अंदर दो ही तरह की वैल्यूज आती है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू को आप ये मान सकते हो कि 1 और इसको 0, इस तरह से भी मान सकते हो, तो दो तरह की वैल्यू आती है। नल, नल का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं माना कुछ भी नहीं का मतलब जीरो हो गया। देखिए जीरो क्या है, जीरो एक वैल्यू है, ये याद रखना, जीरो एक वैल्यू है, जीरो क्या है, इंटीजर है, वो एक वैल्यू है। नल का मतलब कुछ भी नहीं। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो उसमें आप लिखते हो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल मतलब नल हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, नल हो गया। फिर होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर एरे होता है, जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, कोई भी नाम लिखना है तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का मिलोगे। एरे, एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, तो वो इंटीजर का भी हो सकता है, कैरेक्टर का भी हो सकता है, सेम टाइप के डेटा है अगर उनको एक ग्रुप में स्टोर करवाते हैं, कलेक्शन में स्टोर कराते हैं, तो वो एरे होता है। जैसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो करने हैं, तो या तो हमारे पास पहला तरीका ये हो गया सिंपल कि 100 वेरिएबल्स बनाए जाएँ अलग अलग, तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया,
दूसरा तरीका है कि हमने एक एरे बना दिया और उसकी साइज़ 100 दे दी, तो 100 वेरिएबल्स उसमें, 100 बच्चों के मार्क्स उसमें स्टोर करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लास बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये भी एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप हो गया ना, क्योंकि क्लास की डेफिनेशन क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास भी एक अपने आप में डेटा टाइप ही है, वो है यूजर डिफाइंड, यूजर ने डिफाइन किया है। रिसोर्सेज, ये कुछ एडवांस जब पढ़ेंगे पीएचपी उसमें देखेंगे। रिसोर्सेज भी क्या होते हैं कि स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं रेफरेंस किसी रिसोर्स का एक्सटर्नल टू पीएचपी, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन। अब ये देखिए एग्जांपल, देखिए कांस्टेंट का एग्जांपल, तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि ये तो हम पीएचपी को शुरू करते हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और ये एंड हो गया टेक, ये तो याद रखना ही है। हमने डिफाइन किया है और ये मीन साइज है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है उसका नाम है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। इको मीन साइज, इको यहाँ प्रिंट कराने के लिए, तो मीन साइज की वैल्यू कितना 50 प्रिंट कर देगा, फिर इको कांस्टेंट मीन साइज, ठीक है, ये बिल्कुल वही लाइन है, ऊपर मीन साइज को प्रिंट कराया वही भी मीन साइज को प्रिंट करेगा। अब कांस्टेंट्स में वैलिड और इनवैलिड नेम्स कैसे होते हैं, अब इसमें देखिए ऊपर वैलिड नाम दिखाए गए हैं, पहली लाइन है उसको ध्यान से देखना है, डिफाइन डबल कोट्स में 1 कोमा डबल कोट्स में फर्स्ट 3, तो ये वैलिड कांस्टेंट नेम है। दूसरा है डिफाइन 2 सेकंड थिंग, तीसरा, तो ये होते हैं वैलिड कांस्टेंट नेम। फिर नीचे हैं इनवैलिड कांस्टेंट नेम भी दिखा रखे हैं, तो ये तो हमने जब किसी भी फंक्शन का नेम देते हैं या वेरिएबल का देते हैं या कांस्टेंट का देते हैं, तो हमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं, जैसे कि ये होता है ना, कोई भी बच्चा होता है उसका नामकरण होता है तो कैसा नाम देते हैं, आपने कभी ऐसे बच्चे का नाम सुना है 1 2 3, नहीं होता ना 1 2 3, तो जैसे अपने नियम हैं इंसानों में किसी को भी नाम देने के लिए, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे नाम दिया जाए। तो ऊपर जो आप 3 कांस्टेंट देख रहे हो ये सब में लागू होगा, आप कोई भी यूजर डिफाइंड नेम देते हो या पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाई है उसने भी अगर बिल्ट इन कुछ बना रखे हैं वेरिएबल्स कीवर्ड्स, तो उनमें भी ये लागू है। तो 1 है 2 है 3 है, देखिए इनमें डिजिट आ रहा है, लेकिन डिजिट क्या आ रहा है, पहले कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं उसके बाद में डिजिट आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, पहले कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं बाद में आ रहा है, ठीक है, तो ये तो वैलिड है। लेकिन नीचे के 2 देखो उसमें क्या हो रहा है, 2 के अंदर 2 ये डिजिट पहले आ गया, तो कभी भी चाहे कोई वेरिएबल हो चाहे कॉन्स्टेंट हो फंक्शन हो क्लास हो, डिजिट से स्टार्टिंग नहीं होगी उसके नाम में, ये आपको याद रखना है, और एक अंडरस्कोर से स्टार्टिंग नहीं होगी, डिजिट और अंडरस्कोर बाद में आ सकता है लेकिन शुरुआत अपने को करनी है कैरेक्टर से, ये आपको याद रखनी है। एक दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, वैलिड कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल जैसे नाम से पता चल रहा है वेरिएबल मतलब जो वेरी होगा, जिसमें वैल्यू अपन जो भी असाइन करेंगे वो ले लेगा, एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर वो 5 बार अलग अलग वैल्यू ले सकता है, जैसे आप लूप बनाते हो उसमें INT i लेते हो, तो i के अंदर तो क्या हो रहा है लूप में हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, अगर लूप 100 बार चलेगा तो 100 अलग अलग वैल्यूज देगा, तो वो तो एक वेरिएबल है, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल जो वेरी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी तो चेंज नहीं होगी, जैसे पाई, ठीक है पाई आप 3.14 या 22/7, तो इसमें ये वैल्यू फिक्स है, आप कहीं भी पाई का यूज करोगे तो पाई की यही वैल्यू रहेगी 3.14, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे दूसरे भी कई सारे कांस्टेंट हैं, जैसे ग्रेविटी की वैल्यू है जी की, तो खूब सारे कांस्टेंट है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू हमें पूरी प्रोग्राम में वही रखनी है एक ही, उसको चेंज नहीं करना है, तो उसको हम कांस्टेंट बना देंगे। अब ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे,
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।